नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो दर्जी टेक एंड आज मैं लेके आया हूँ टॉप 5 बजट फोन, वो भी आपको 15,000 के अंदर देखने को मिल जाता है। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हमें जो टॉप 5 फोन है उसकी मैं रिक्वायरमेंट तो कम से कम तो होनी चाहिए, तो बता देते रिक्वायरमेंट इसकी कम से कम फुल HD बिग स्क्रीन 6.5 इंच की तो मिनिमम होनी चाहिए। और बैटरी की तो बात करें तो बैटरी में हमको 4000 mAh की बैटरी होनी चाहिए टाइप सी के साथ, वो भी फास्ट चार्जिंग। बात करें मिनिमम तो 6GB रैम तो होनी ही चाहिए। परफॉर्मेंस की भी बॉडी तगड़ा देना चाहिए। और कैमरा की बात करूँ तो कैमरा 48 MP का कम से कम क्वाड कैमरा तो सेटअप जोने को मिल जाता है। तो दोस्तों सबसे जो लास्ट नंबर 5 में आ जाता है रेडमी नोट 9, उसकी प्राइस है 14,999 रुपये। डिस्प्ले की बात करूँ तो डिस्प्ले में आपको 6.53 फुल HD IPS डिस्प्ले जो निक मिल जाती है 60Hz के रिफ्रेश की बात, इसकी प्रोसेसर की बात करूँ तो फुल HD IPS G85 पे चल जाता है जाता है। और बैटरी की बात करें तो इसमें आप 5020 mAh की बैटरी जो नहीं को मिल जाती है 22.5 वोल्टेज के साथ। और इसकी OS की बात करें तो Mi 11 Android 10 पे जो 10 पे जोने को जो मिल जाते हैं। और कैमरे की बात तो इसमें आपको 48 MP का क्वाड कैमरे का सेटअप जोने को मिल जाता है। सेल्फी कैमरे आपको 13 MP का सेल्फी कैमरा जोने को मिल जाता है। दोस्तों चौथे नंबर पे निकल के M2 Pro, इसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हो। मैं आप यहाँ पे आई बटन भी आया कि इसमें आपको देख लीजिए स्पेसिफिकेशन वीडियो बना दिए। इसकी प्राइस है दोस्तों प्राइस करीब 14,999 रुपये। इसके भी प्रोसेसर की और इसके भी डिस्प्ले की बात करें तो 6.67 फुल HD IPS डिस्प्ले जो नहीं को मिल जाती है 60Hz के साथ। इसकी प्रोसेसर की बात करें तो SD720G के साथ चल आपको देखने को मिल जाती है। बैटरी में आपको 5000 mAh की बैटरी जो नहीं को मिल जाती है 33 वोल्टेज के फास्ट चार्जिंग के साथ। इसकी OS की बात करें तो Mi 11 Android 10 पे ये जो है। और कैमरा में आपको 48 MP का क्वाड कैमरा का सेटअप जोने को मिल जाता है। सेल्फी कैमरे में आपको 16 MP का 1 सेल्फी कैमरा जोने को मिल जाता है। तो दोस्तों तीसरे नंबर पे निकल के आ जाए हमारा Realme 6 जो कि इसकी भी प्राइस 14,999 रुपये है। और इसकी भी डिस्प्ले की बात करो तो 6.5 mAh की फुल HD IPS मिल जाती है 13 वोल्टेज के फास्ट चार्जिंग के साथ। OS की बात करें तो Realme UI Android 10 पे ये फोन आपको देखने को मिल जाता है। कैमरा की बात करें तो 64 MP का क्वाड कैमरा का शॉट एप जोने को मिल जाता है। सेल्फी कैमरा तो 16 MP का 1 सेल्फी कैमरा जोने को मिल जाता है। दूसरा है जो Realme 6i, वो भी सेम ही है, खाली प्रोसेसर में कैमरा में फर्क हो जा। और इसकी Realme 6i की प्राइस है 13,999 रुपये। और दोस्तों इसके भी डिस्प्ले की बात करो तो 6.5 mAh की फुल HD डिस्प्ले जोने को मिल जाती है IPS LED के साथ। इसमें भी आपको न्यू हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट जोने को मिल जाती है। प्रोसेसर की बात करो तो MediaTek Helio G90 पर ये फोन देखने को मिल जाती है। बैटरी की बात करो तो 4300 mAh की बैटरी जोने को मिल जाती है 20 वोल्टेज के साथ। उसमें आपको 13 वोल्टेज का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है Realme 6 में। और इसमें Realme 6i में 20 वोल्टेज का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है, फर्क इतना ही। और OS की बात करो Realme UI Android 10 पे ये फोन देखने को मिल जाते हैं। उसमें आपको 64 MP का कैमरा जोने को मिल जाता है। इसमें आपको 48 MP का क्वाड कैमरा का सेटअप जोने को मिल जाता है। और इसमें सेल्फी कैमरा 16 MP का 1 सेल्फी कैमरा जोने को मिल जाता है। तो लास्ट में हमारा नंबर 1 में निकल जाते हैं Realme 7, जो कि भाई कैमरा भी परफॉर्मेंस भी बहुत ही ज़्यादा तगड़ा देखने को मिल जाता है। और प्राइस की बात इसकी प्राइस की बात करें तो 14,999 रुपये इसकी प्राइस है। और इसकी प्रोसेसर की बात करो डिस्प्ले की बात करो तो डिस्प्ले में 6.5 mAh की फुल HD डिस्प्ले जोने को मिल जाती है IPS LED के साथ। न्यू हर्ट्स की रिफ्रेश रेट जोने को मिल जाती है। प्रोसेसर की बात करो तो Helio G95 प्रोसेसर जोने को मिल जाती है। बैटरी की बात करो तो 5000 mAh की बैटरी जोने को मिल जाती है 13 वोल्टेज के फास्ट चार्जिंग के साथ। OS की बात करो Realme U Android 10 पे ये फोन देखने को मिल जाती है। इसमें आपको 64 MP का क्वाड कैमरा का सेटअप जोने को मिल जाती है। सेल्फी कैमरा 16 MP का 1 सेल्फी कैमरा जो भाई इसमें तो ये फोन में कैमरा तो बहुत ही तगड़ा रिजल्ट देखने को मिल जाता है। बस दोस्तों फिलहाल इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। मुझे बताइएगा ये टॉप 5 बजट फोन आप में से ये टॉप 5 में से आपको कौन सा पसंद आया, नीचे कमेंट करके मत भूलिएगा। और लास्ट में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत